आपको बोर्ड मीटिंग्स अपने सेक्रेटरी स्टैंडर्ड के हिसाब से करनी है, ठीक है? तो जब भी आप आंसर शुरू करोगे तो हमें स्टार्ट कैसे करना है, सेक्शन 118 कहीं पे भी सेक्रेटरी स्टैंडर्ड और बोर्ड मीटिंग आपको दिख जाए, आपने शुरू ही ऐसे करना है, सेक्शन 118 और सबसेक्शन 10 स्पीक चाहिए। सबसेक्शन 10 हमें कहते हैं कि हम बोर्ड मीटिंग कंक्लूड करनी है। ओके, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स क्या है? सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स होते हैं जो स्पेसिफाई आपका ICSI है। सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स स्पेसिफाइड बाय ICSI एंड अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेक्शन 118 कहता है आपको board meetings you have to do it in accordance with secretarial standards which are specified by ICSI and approved by central government. Okay, so now we'll start and mera is chapter ko karne ka ye tarika hoga. Is chapter mein sab kuch hai ki meetings kab hai, attendance kab hai. So let's say hum charo board members, you need one company secretary, I need four board members at least. ठीक है, हम चारों board members हम कंपनी taking charge की कौन आया है कौन नहीं आया. So we are doing a board meeting right now. सिट्रेट बोर्ड मेंबर्स हो आप लोग. ओके, अब अटेंडेंस है, मैं देखूंगी कौन कौन से डायरेक्टर्स आए हैं कौन से नहीं आए हैं. तो अटेंडेंस का ये फंडा होता है, सबसे पहले हर कंपनी अपना एक अटेंडेंस रजिस्टर बनाती है. ठीक है, अटेंडेंस रजिस्टर एवरी कंपनी विल मेंटेन. यार पेन नहीं चल रहा. आपके पास कोई रजिस्टर या कुछ है? टेक डाउन योर रजिस्टर और उसमें पॉइंट्स आप साथ साथ नोट करते रहो. ठीक है, नंबर वन अटेंडेंस. आप सब लोग आए हो तो मेको एक अटेंडेंस रजिस्टर for you all. I am the company secretary. It is my duty to maintain an attendance register. Clear? So first of all, attendance register में क्या होगा? सबसे पहले serial number होगा. ठीक है, serial number of the meeting. Board meeting हो रही है, serial number होगा कि ये कौन सी meeting है. Serial numbers कैसे decide होते हैं? जैसे let's say ये first meeting है, तो it can be anything. फर्स्ट मीटिंग ऑफ 2022, सेकेंड मीटिंग ऑफ 2022. ठीक है, सीरियल नंबर्स होंगे. नंबर वन सीरियल नंबर, सीरियल नंबर 2022, सेकेंड मीटिंग ऑफ 2022. इधर आप इस तरीके से कर सकते हो या फिर आप लिख भी सकते हो ऐसे, फर्स्ट मीटिंग पूरा रिटन में, फर्स्ट मीटिंग 2022 ऐसे करके. ठीक है, सीरियल नंबर फिर उसको अटेंड टाइम वेन्यू ऑफ द मीटिंग. ऑफ कोर्स मीटिंग प्रॉपर हो रही है, मैं रजिस्टर लूंगी, सीरियल नंबर लिखूंगी, ये फर्स्ट मीटिंग हो रही है हमारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की. उसके बाद मैं डेट मेंशन करूंगी आज की, टाइम मेंशन करूंगी, वेन्यू मेंशन करूंगी. ठीक है, तो अटेंडेंस रजिस्टर, उसके बाद मीटिंग हो गई, सारे डायरेक्टर्स आर रिक्वायर्ड टू साइन द अटेंडेंस रजिस्टर. जो भी उस मीटिंग में प्रेजेंट होगा वो उसको साइन करेगा. डायरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, चेयरमैन प्रेजेंट होता है, कंपनी सेक्रेटरी प्रेजेंट होता है, या फिर कोई और इनवाइट, हम बाहर से किसी को इनवाइट करते हैं, वो लोग प्रेजेंट होते हैं हमारी बोर्ड मीटिंग में. ठीक है, तो चार लोग प्रेजेंट हो गए, डायरेक्टर्स ऑफकोर्स क्योंकि बोर्ड मीटिंग है, कंपनी सेक्रेटरी,
चेयरमैन या फिर हम किसी को भी बाहर से इनवाइट करते हैं, वो सब लोग हमारी अटेंडेंस रजिस्टर में बोर्ड मीटिंग में प्रेजेंट होते हैं, उन सब के साइनिंग हमको अपनी अटेंडेंस रजिस्टर में करवाने हैं। एंड एक्चुअल में ये ऐसा ही होता है, प्रॉपर एक रजिस्टर बनता है, उसमें सबके नाम आते हैं, फिर मैं एक एक के पास जाऊंगी कि जी साइन यहाँ रख दिया, लोग आए अपनी अटेंडेंस मार्क करी, साइन करा और बैठ गए मीटिंग स्टार्ट होने से पहले, ठीक है। उसके बाद पॉइंट आता है कि अटेंडेंस रजिस्टर को इंस्पेक्ट कौन कर सकता है। हम कर सकते हैं, हम सब अटेंडेंस रजिस्टर का इंस्पेक्शन कर सकते हैं। और कितने टाइम तक मुझे ये मेंटेन करना है? 8 फिनेंशियल ईयर्स, ठीक है। मान लीजिए, लेट्स से आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू ऑल, लेट्स से आज मीटिंग, आज फिनेंशियल ईयर की, कैलेंडर ईयर की फर्स्ट मीटिंग है, आज हमारी फर्स्ट मीटिंग है, ठीक है। अब मेरे अटेंडेंस रजिस्टर में आज सब साइनिंग वाइनिंग हो गया, चेयरमैन ने साइन कर दिया, प्रॉपर CS ने साइन कर दिया, रेडी हो गया। अब मेरे रजिस्टर की लास्ट मीटिंग जो है वो है 31 मार्च 2023, तो मुझे अटेंडेंस रजिस्टर कब तक मेंटेन करना होगा? 8 फाइनेंशियल ईयर्स स्टार्टिंग विद 31 मार्च 2023, ठीक है। मेरी अटेंडेंस रजिस्टर का लास्ट बोर्ड मीटिंग होगी, बोर्ड मीटिंग की अटेंडेंस होगी, वहाँ मुझे ये स्टार्ट करना है, ठीक है। तो अटेंडेंस में हमारे 3-4 टॉपिक्स हैं एक्चुअली। नंबर 1, कौन कौन कैसे मेंटेन करना है, ठीक है। उसके बाद इंस्पेक्ट कौन कर सकता है, साइन किसने करना है, और कब तक, कितने टाइम तक हमको अटेंडेंस रजिस्टर मेंटेन करना है। ओके, इसमें एक इलस्ट्रेशन है, दिख रहा है ना, द सेम थिंग। इन केस द अटेंडेंस रजिस्टर कंटेन्स द अटेंडेंस रिकॉर्ड ऑफ अ मीटिंग, 5 मई को मीटिंग है, फर्स्ट एंट्री रजिस्टर की 5 मई है, लास्ट एंट्री है 18 मार्च 2015, तो 18 मार्च 2015 से 8 फाइनेंशियल ईयर्स तक आप रजिस्टर मेंटेन करोगे, क्लियर। तो आप लोग आ गए, बैठ गए, अटेंडेंस रिकॉर्ड हो गई, अटेंडेंस रजिस्टर बन गया, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। एसी ऑन नहीं है क्या? इट्स वेरी हॉट, तो कर दें, ठीक कर दें। ठंड तो नहीं लग रही? गर्मी लग रही है, हाँ। देखना हो रहा है कितना है, पर कई बार रिमोट से हो जाता है, लेकिन वहाँ नहीं होता मेरे घर पे, तो ऐसे 25 यहाँ तो बिल्कुल कूलिंग नहीं है यार, आई एम लिटरली स्वेटिंग। ठंड लगेगी तो बताना, ठीक है। अच्छा, वन मोर थिंग, अटेंडेंस रजिस्टर। अब मान लो 4 डायरेक्टर्स यहाँ बैठे हो, एक डायरेक्टर हमारा ई मोड पे हमारे साथ जूम मीटिंग पे है, तो उसका रिकॉर्ड भी मैं कर दूंगी, लेकिन शर्त यह है कि वो देख रहा हो उसकी अटेंडेंस, क्योंकि मैं ही मार्क कर रही हूँ ना, ऑफकोर्स मैं उसके साइन तो नहीं कर सकती, बट आई कुड इनिशियल इट कि वो भी वहाँ प्रेजेंट है। एंड प्लस अगर कोई बाहर का बोले कि जी हाउ विल वी नो, आपने लिख दिया ई मीन से ये आपकी मीटिंग अटेंड कर रहा है, हाउ विल वी नो। तो इसके लिए ये होता है कि आपकी जो भी इलेक्ट्रॉनिक ई मीटिंग्स, जो भी ऑडियो विजुअल मीन से या इलेक्ट्रॉनिक मोड से मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, तो वो प्रॉपर रिकॉर्ड होती है। वो हमारा पूरा आगे नया टॉपिक है बहुत बड़ा, कि अगर कोई भी ऑडियो विजुअल या ई मीन से आपकी मीटिंग अटेंड कर रहे हो, तो वो प्रॉपर उसका सिक्योरिटी, रिकॉर्डिंग, स्टोरेज सब कुछ हमारे पास अवेलेबल होगा, तो उसकी अटेंडेंस हम उसके इनिशियल या अपना इनिशियल करके उसकी अटेंडेंस हम मार्क कर सकते हैं, क्लियर। नेक्स्ट चीज़ क्या आती है कि हम यहाँ बैठे हैं, हम लोग आ गए, हमने मीटिंग कर ली, ठीक है। अब मुझे ये डिसाइड करना पड़ेगा कोरम क्या है मीटिंग का, मीटिंग स्टार्ट कैसे करूँगी, कोरम के हिसाब से। तो कैसे स्टार्ट होगी, कोरम कितना होता है, 1/3 or 2 विच एवर इज हायर, लेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे लोग चाहिए मीटिंग के लिए, है ना, तो एटलीस्ट 2 बंदे बैठेंगे तभी मीटिंग होगी, राइट। 1/3 or 2 विच एवर इज हायर। इन केस आर्टिकल्स में अगर लिखा हो या एज स्पेसिफाइड इन द आर्टिकल्स,
ठीक है, ये दो कंडीशंस होती हैं, या तो 1/3 और 2, विच एवर इज हायर, या फिर एज मेंशन्ड इन द आर्टिकल्स. आप लोग मॉड्यूल्स कैरी नहीं करते ना? अच्छा, अभी आए नहीं है. ओके, आए नहीं है, ठीक है. तो 1/3 और 2, विच एवर इज हायर, या फिर एज स्पेसिफाइड इन द आर्टिकल्स. मान लीजिए आर्टिकल्स में गिवन है, जैसे इसमें एक इलास्ट्रेशन भी है, मैं वही वाला ले रही हूँ, कि आर्टिकल्स में गिवन है कि 15 डायरेक्टर्स होंगे तो मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है. लेकिन किसी ना किसी तरीके से उस पर्टिकुलर टाइम पे मेरे चार डायरेक्टर्स उस ड्यूरेशन में या तो रिज़ाइन कर गए या ऑफिस वेकेट कर गए, तो उस केस में क्या होगा, 11 डायरेक्टर्स ही अपनी मीटिंग कर लेंगे, ठीक है. तब मुझे ज़रूरत नहीं है कि 15 होंगे तो मैं मीटिंग करूँगी, नहीं, उस केस में 11 डायरेक्टर ही अपनी मीटिंग कर लेंगे. तो कोरम का ये फंडा होता है 1/3 और 2, विच एवर इज हायर, या फिर एज मेंशन इन द आर्टिकल्स. हम चार लोग बैठे हैं तो हम कितना कोरम होगा हमारा, या टू होगा, ठीक है, टू होगा हमारा कोरम. तो दो जने होंगे तो हम क्लास स्टार्ट कर सकते हैं, मीटिंग स्टार्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं. क्लियर, कोरम हो गया. अब नेक्स्ट किस पे जाएंगे, या हाँ नहीं, हाँ, तो इसलिए हम वेट नहीं करेंगे ना कि जब तक अपॉइंट होंगे तब हम करेंगे, समझ गए. हम वी के नॉट वेट फॉर इट ना. आर्टिकल्स में है कि 15 डायरेक्टर्स होंगे तो मीटिंग होगी, लेकिन किसी ना किसी रीजन से 4 डायरेक्टर्स की प्लेस वेकेंट है, तो वील डू द 15, वील डू विद द 11 डायरेक्टर्स, ठीक है. कि भाई आर्टिकल्स में मेंशन है सारे डायरेक्टर्स होंगे तो ही बोर्ड मीटिंग होगी. अब कुछ नहीं है, कुछ नहीं में एब्सेंट वाला केस नहीं होगा, आई एम टॉकिंग अबाउट वेकेंट वाला केस, कि वो कंपनी में ही अब डायरेक्टर नहीं है, उस केस में हम मीटिंग जितने भी डायरेक्टर्स हैं उस उतने डायरेक्टर्स से वी विल डू, तब नहीं करेंगे. हाँ, देन वी हैव टू वेट, या फिर हम वो हॉलीडे पे हैं तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मोड काम आएगा, मीटिंग तो होगी होगी. आई एम टॉकिंग अबाउट वेकेंट पोजिशन. पोजिशन वेकेंट है तो कर सकते हो, नहीं है, प्रॉपर डायरेक्टर्स हैं तो उनको इलेक्ट्रॉनिक मोड में बुलाओ. ओके, नेक्स्ट है हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ मीटिंग्स. अब हम लोग यहाँ आ गए, हमने अटेंडेंस रजिस्टर में मार्क कर ली, उसके बाद मीटिंग स्टार्ट करने के लिए कोरम डिसाइड कर लिया. अब पहली बात तो हम ये देखेंगे कि अब नेक्स्ट मीटिंग कब कर सकते हैं हम, है ना. अब नेक्स्ट क्लास कब होगी मैम, राइट, तो वो कब होगी, कितनी फ्रीक्वेंसी होती है मीटिंग्स की, मिनिमम 4 विद, हाँ, मैक्सिमम कुड बी एनी गैप, मैक्सिमम कितनी भी कर सकते हो, मिनिमम 4 मीटिंग्स विद अ गैप ऑफ 120 डेज, मैक्सिमम गैप ऑफ 120 डेज, ठीक है. एक मीटिंग और दो मीटिंग्स के बीच में मैक्सिमम गैप कितना होना चाहिए, 120 डेज का, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कब होती है, विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, ठीक है. तो नेक्स्ट मीटिंग कब होगी, मान लो फर्स्ट मीटिंग होगी 30 जनवरी को, विद इन 30 डेज, आई एम डूइंग इट ऑन 25 जनवरी, तो नेक्स्ट मीटिंग 25 जनवरी से मैक्सिमम 120 डेज आप स्ट्रेच कर सकते हो, मतलब 120 डेज के विद इन ही आपको नेक्स्ट मीटिंग करनी है, ठीक है, क्लियर. ऑडिट कमिटी की मीटिंग या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की मीटिंग, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की भी मीटिंग होती है, जो भी आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होंगे वो एटलीस्ट ज़रूरी है एक मीटिंग इन अ फाइनेंशियल ईयर, एक मीटिंग ज़रूर होनी चाहिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की, ठीक है. ऑडिट कमिटी की भी मीटिंग्स में ये है, एज सून एज वेन एवर इट्स नेसेसरी, ठीक है, या फिर वट एवर इज प्रिस्क्राइब, या वेन एवर इज नेसेसरी. बेसिकली ऑडिट कमिटी की मीटिंग्स भी हम इसी हिसाब से करते हैं, जो यूजुअली मैं ये बता रही हूँ, जैसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की हमने बोला वो एक मीटिंग होगी इन अ फाइनेंशियल ईयर, उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का क्या काम होता है, कि नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को
वो करना, प्रॉपर रिव्यू करना, चेयरमैन की परफॉर्मेंस रिव्यू करना, नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की परफॉर्मेंस रिव्यू करना, कोई भी फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन आ रहा है बोर्ड और मैनेजमेंट का उसको रिव्यू करना, ठीक है, ये काम होते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के। और वही वो अपनी मीटिंग में करते हैं जो एक साल में एक करना ज़रूरी है। क्लियर? ओके ओके, देयर इज एन इलस्ट्रेशन। इफ़ अ कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 15th June, द फर्स्ट मीटिंग शुड बी हेल्ड विद इन 30 days, राइट, लेटेस्ट बाई 14th July। 15 जून को कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, 14 जुलाई तक पहली मीटिंग करनी ज़रूरी है। उसके बाद इफ द मीटिंग इज हेल्ड ऑन से 10th July, शुड बी हेल्ड विद इन 120 days ऑफ द फर्स्ट मीटिंग। क्लियर? ओके, नाउ वील मूव ऑन टू नोटिस। जो काम है कंपनी सेक्रेटरी का, राइट, अच्छा बिफोर दैट, बिफोर मूविंग टू नोटिस, मैं कन्वेनिंग ऑफ मीटिंग से स्टार्ट करती हूँ ताकि पब्लिक हॉलीडेज और ये सब भी कवर हो जाए, कि नोटिस कब सेंड करना है, कब मीटिंग बुला सकते हैं, कब नहीं बुला सकते, ठीक है। तो सबसे पहले एवरी मीटिंग शैल हैव अ सीरियल नंबर, जैसे हमने अभी बात करी थी जब स्टार्ट किया था कि हर मीटिंग का एक सीरियल नंबर होगा। नोटिस में भी मेंशन होगा कि फर्स्ट मीटिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, डे, डेट, टाइम, वेन्यू, ये सारी चीज़ें आपके नोटिस में मेंशन होंगी, ठीक है। नंबरिंग ऑफ मीटिंग्स करना ज़रूरी है, लाइक 1 of 2022, लाइक आई मेंशन, ठीक है। उसके बाद बोर्ड मीटिंग्स ऑन पब्लिक हॉलीडे, तो क्या हम पब्लिक हॉलीडे पे बोर्ड मीटिंग कर सकते हैं? कर सकते हैं, हाँ वही, क्या हम शेड्यूल कर सकते हैं बोर्ड मीटिंग पब्लिक हॉलीडे पे? शेड्यूल मतलब क्या होता है, कि नोटिस दे सकते हैं? नहीं, हम फिर भी बोर्ड मीटिंग कैन बी डन एनी डे, एडजॉर्न मीटिंग हम पब्लिक हॉलीडे पे नहीं कर सकते। क्लियर? हाँ, एडजॉर्न मीटिंग, बोर्ड मीटिंग, सी हियर इज इट, बोर्ड मीटिंग, बोर्ड मीटिंग में भी कन्वेन ऑन एनी डे इंक्लूडिंग द पब्लिक हॉलीडे। क्लियर? यार मेरा पेन नहीं चल रहा है इस पर, एक्चुअली ये वाला, हाँ ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, राइट, थैंक यू, नो थैंक यू, नहीं चल रहा है, वो बाहर भी नहीं है। नो थैंक यू, अभी रेनू है ना, वो आ जाएंगी तो बता देंगे मैम, ठीक है। बोर्ड मीटिंग किसी भी दिन हो सकती है इंक्लूडिंग अ पब्लिक हॉलीडे, लेकिन एडजॉर्न मीटिंग आपकी पब्लिक हॉलीडे पे नहीं हो सकती। क्लियर? ठीक है, लेट्स से 15th August को हमारी बोर्ड मीटिंग स्केड्यूल हुई है, लेकिन कोरम नहीं आया तो मुझे एडजॉर्न करनी पड़ी। तो एडजॉर्न मीटिंग कब होती है? विद इन अ वीक, मतलब सेम डे सेम प्लेस सेम टाइम नेक्स्ट वीक, ठीक है। मान लीजिए वो जो नेक्स्ट वीक है वो भी पब्लिक हॉलीडे पड़ रहा है, मैंने एक्चुअली मीटिंग 15 नेक्स्ट वीक है वो 15 August पड़ रहा है, लेट्स से, ठीक है। बोर्ड मीटिंग है मेरी 8th को, एडजर्न हो गई जी, कोरम नहीं आया, नेक्स्ट एडजर्न मीटिंग पड़ रही है मेरी 15 August को, तो मैं नहीं कर सकती, मैं करूँगी 16 August को। सो बोर्ड मीटिंग कैन बी डन एट एनी डे इवन पब्लिक हॉलीडे, लेकिन एडजर्न मीटिंग आपकी पब्लिक हॉलीडे पे नहीं हो सकती। क्लियर? टाइम ऑफ मीटिंग, टाइम ऑफ मीटिंग कुड बी एनीथिंग, ऑफ कोर्स रीजनेबल टाइम, आप रात को 1 बजे अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को नहीं बुलाओगे, तो इन्होंने कोई टाइम स्पेसिफिक नहीं किया, लेकिन ऑफ कोर्स ऑफिस आवर्स ही होते हैं, राइट, जो भी रीजनेबल टाइम होगा दैट वुड बी योर टाइम ऑफ मीटिंग। क्लियर? वेन्यू ऑफ मीटिंग, ईदर रजिस्टर्ड ऑफिस और एनी रिमोट प्लेस विच इज
indicated and available to all the board of directors. Clear? Day, date, time, venue, clear hai? Next hai, meeting conducted through electronic mode. उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मोड में क्या होगा, मान लीजिए हम तीनों कह रहे हैं हम प्रेजेंट होंगे इन पर्सन. व्हाट्स योर नेम? दीपांशु कह रहा है जी मैं तो ई मोड से आऊँगा, मैं हॉलीडे पे हूँ. तो दीपांशु ई मोड पे, जब भी मैं नोटिस सेंड करूँगी मीटिंग का, सो दीपांशु उस नोटिस में मैं मेंशन करूँगी कि अगर आप ई मोड से आना चाह रहे हो तो आप आ सकते हो. ठीक है, दीपांशु अगर अपनी कंसेंट दे देता है तो आई विल कंसिडर, मैं एज अ सी एस सारे अरेंजमेंट्स करूँगी ई मोड के भी. मैं अपनी बोर्ड रूम में प्रॉपर ऑडियो विजुअल सिस्टम, लैपटॉप, सब स्टोरेज की मैं इसका प्रॉपर स्टोर, प्रॉपर रिकॉर्ड कैसे कर सकती हूँ ई मोड, वो सारे अरेंजमेंट्स मैं करूँगी फॉर दीपांशु, क्योंकि दीपांशु ई मोड से आ रहा है. लेकिन दीपांशु, लेट्स से दीपांशु हमारी सिटी में नहीं रहता, ही स्टेज आउट, तो वो हर मीटिंग में तो मुझे कंसेंट नहीं देगा ना. इसके लिए कितना क्यूम्बरसम हो जाएगा, राइट? कि हर मीटिंग में वो लिख रहा है कि जी अब मैं ईमोट से आऊँगा, मैं ईमोट से आऊँगा. तो दीपांशु कैन ऑल्सो डू दिस कि वो कैलेंडर ईयर के शुरू में इंटीमेशन दे दे कि आई विल अटेंड ऑल द मीटिंग्स इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू ई मोड, वाया ई मोड. क्लियर? लेकिन अगर दीपांशु इन पर्सन आना चाहे तो वो आ सकता है. किसी मीटिंग में मान लो वो दिल्ली में है तो वो आ सकता है, लेकिन उसको मुझे इंटीमेट करना पड़ेगा. क्लियर? तो जब भी दीपांशु को फिजिकली आके मीटिंग अटेंड करनी है, सो ही कैन कम, लेकिन ही हैज़ टू इंटीमेट द कंपनी और द बोर्ड और द चेयरमैन और द कंपनी सेक्रेटरी बिफोर कमिंग इन प्रेजेंट. क्लियर? तो मीटिंग कंडक्टेड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, येस यू कैन डू इट, लेकिन कंपनी सेक्रेटरी को सारे अरेंजमेंट्स, प्रॉपर रिकॉर्डिंग, स्टोरेज सब करना पड़ेगा. क्लियर? तो इलेक्ट्रॉनिक मोड की मीटिंग का पूरा प्रॉपर वो है, वील मूव ऑन टू इट. बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत सिंपल सा चैप्टर है. ओके, मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, क्योंकि हम इस चैप्टर को कुछ हो गया है, एनीथिंग? हाँ बोल सकते हो, इट्स ओके. नहीं नहीं, छोटा सा मॉड्यूल आएगा ना, तो सबसे छोटा यही है इसलिए हाँ वो कंपैरिजन रह गया बोलना, बट छोटा सा चैप्टर है, इजी भी है. कितना इजी है, इंटरेस्टिंग भी तो है, कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में, थोड़ी बहुत चीज़ें हैं. नीचे स्टार लगा हुआ है एक, मेरा कंडीशन सप्लाई पड़ा हुआ है. हाँ, इनफैक्ट ये सब्जेक्ट ही बहुत इंटरेस्टिंग है, आपने काफ़ी चीज़ें इधर उधर से पढ़ी हुई होंगी. मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, क्योंकि हम बात कर रहे थे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, सो आई थॉट लेट्स कवर दिस टॉपिक. तो आप पूरा इसका जिस्ट ले सकते हो. सी आई वॉन्ट कि हम एक टॉपिक जिसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शुरू कर रहे हैं, क्योंकि ये छोटा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग है, पढ़ा हुआ है, तो ट्राई करते हैं हम क्लास से याद करके घर जाएं. घर पे आधा घंटा देना है फटाफट गो थ्रू करने, बट अभी आप गो थ्रू कैसे करोगे, यू डोंट हैव मॉड्यूल्स. तो आप लोग इतने एफर्ट्स लेते हो कि आप गूगल पे जाके, ICSI पे जाके लेते हो सच में? हाँ, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, बट वो लेता है दीपांशु एफर्ट्स लेता है. तो अगर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, मॉड्यूल का वेट नहीं करोगे. तो जाके सोने से पहले आधा घंटा अगर इस चैप्टर को ऊपर से गो थ्रू कर लोगे, यू विल बी डन. एटलीस्ट इंडेक्स पे वो टिक करने को मिल जाएगा, जिसमें बहुत अच्छा लगता है, राइट? तो इंडेक्स पे हम जैसे ही मॉड्यूल आएगा, पहला टिक इसी चैप्टर को लगा देंगे. ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि हम याद कर लें, क्योंकि हमें आता है ये चैप्टर, हमने ये पहले पढ़ा हुआ है. सो लेट्स लर्न दिस चैप्टर एंड गो होम. ठीक है, तो जब तक याद नहीं होगा हम आज घर नहीं जाएंगे. हाँ, ट्राई करते हैं, क्या पता कुछ पॉइंट्स याद हो जाए. इसी हिसाब से बैठो कि याद हो जाएगा तो निकलेंगे यहाँ से. ठीक है, मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. तो रूल 3 ऑफ द कंपनीज मीटिंग्स ऑफ बोर्ड्स एंड इट्स पास रूल्स 2014. रूल 3,
तो दो चीज़ें जो अभी तक हमने याद सेक्शन से याद करे हैं वो है, एक तो 118 सब सेक्शन 10 जो क्या बोलता है कि बोर्ड मीटिंग होगी अकॉर्डिंग टू सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स और सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स स्पेसिफाइड बाय ICSI एंड अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। और रूल 3 कहता है आपको ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉनिक मोड, कंपनीज मीटिंग ऑफ बोर्ड थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अदर ऑडियो विजुअल मीन्स, ठीक है। अब रूल 3 में क्या है, ये पूरा क्वेश्चन आएगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या ऑडियो विजुअल मीन्स में, पूरा का पूरा रूल 3 हमको वहाँ पर लिख कर आना है, ठीक है। अब वो हम लिखेंगे कैसे, इसके 4 पॉइंट्स हैं अभी क्लास में, हम अभी के अभी 15 मिनट में हम ये रूल 3 याद करने वाले हैं, क्लियर। कि क्योंकि ये क्वेश्चन आता है, दिस इज़ वेरी कॉमन, आई थिंक आप लोग के आया होगा इस, आई डोंट इस बार नहीं आया, बट इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन, इट कम्स, इवन इफ इट डजन कम आपको आंसर बनाने में काम आता है, नोटिस अगर ई मोड आ गया तो आप ई मोड के बनाने में काम आता है, यू नो वॉट आई मीन, राइट। तो मीटिंग्स ऑफ बोर्ड सबसे पहले है, अ कंपनी शैल कंप्लाई विद ऑल द प्रोसीजर। सबसे पहले अगर दीपांशु ऑडियो विजुअल मीन से आना चाहता है, मुझे अरेंजमेंट्स करने पड़ेंगे विच इज़ वेरी प्रैक्टिकल ऑल्सो, राइट। तो दीपांशु आ रहा है, दीपांशु हॉलीडे पे है, दीपांशु वॉन्ट्स टू डू अ बोर्ड मीटिंग थ्रू ऑडियो विजुअल मीन, सबसे पहले एज अ सी एस व्हाट आई हैव टू डू इज टू मेक स्पेसिफिक अरेंजमेंट्स फॉर ऑल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड ऑडियो विजुअल डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, क्लियर। नेक्स्ट है, चेयरपर्सन ऑफ द कंपनी या कंपनी सेक्रेटरी प्रॉपर केयर रखेंगे। लेट्स से आपकी क्लास होती है जूम कॉल, सबसे पहली चीज़ आप क्या करते हो, चेक जूम मीटिंग स्टार्ट करते हैं, वो बोलता है ना कि आपका ऑडियो कनेक्टेड है, आपका वीडियो कनेक्टेड है, सेम चीज़ यहाँ पे करनी है। सबसे पहले ऑडियो एक्यूरेसी एंड वीडियो एक्यूरेसी देखनी है, वीडियो क्लैरिटी, क्लियर। थर्ड क्या होगी, ज़रूरी है मेरे लिए क्योंकि मैं मीटिंग के मिनट्स बनाती हूँ, तो मुझे ये भी ज़रूरी है कि ऑडियो ई मीटिंग के भी जो ई मोड से आ रहे हैं उसके भी प्रॉपर मेरे पास रिकॉर्डिंग और स्टोरेज हो। तो थर्ड पॉइंट क्या हो गया मेरा, प्रॉपर रिकॉर्डिंग ऑफ ई मोड एंड ऑफ कोर्स फिजिकल प्रेजेंस, क्लियर। फोर्थ हो गया सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी, दीपांशु के साथ बैठ के एक और बंदा चुपके से हमारी बोर्ड मीटिंग अटेंड कर रहा है, मुझे तो कैमरे में नहीं आ रहा है ना, तो मुझे उस चीज़ का सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी चाहिए होगा कि भैया मेरे मीटिंग से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही कर रहे हैं, उस चीज़ के लिए मैं दीपांशु से एक स्टेटमेंट लूँगी कि जी तुम्हारे साथ और जना कोई वहाँ पर नहीं बैठा, अपार्ट फ्रॉम इट जो हमने इन्वाइट किया हो उसकी बात अलग है, लेकिन दीपांशु के साथ और कोई जना वहाँ पे बैठ के मीटिंग नहीं कर रहा, सो आई हैव टू टेक अ स्टेटमेंट फ्रॉम दीपांशु कि ही इज़ ओनली अटेंडिंग द मीटिंग, क्लियर। उसके बाद ये क्लियर होना चाहिए कि जो बंदा ई मीन से मीटिंग कर रहा है उसका वेन्यू क्या है, वो कहाँ पे बैठ के मीटिंग कर रहा है, क्लियर। एंड लास्ट पॉइंट ये है कि उसका अटेंडेंस जैसे भी वो लगा, जैसे उसका जो भी वट एवर स्टेटमेंट दीपांशु इज गिविंग वो प्रॉपर सारे डायरेक्टर्स को ऑडिबल है। एक तो हो गया उसका ऑडियो वीडियो चेक, ठीक है, एक हो गया कि दीपांशु को तुम तीनों देख सकते हो और तुम तीनों को दीपांशु देख सकता है, सबकी वॉइस क्लैरिटी दीपांशु तक जानी चाहिए, दीपांशु की तुम्हारे तक आनी चाहिए, क्लियर। तो ये कुछ 6 पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं चेयरपर्सन एंड कंपनी सेक्रेटरी को, जो प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस केयर करना है। बाहर रेनू है क्या, एक बार मैं ये पेन का, नो आई डोंट नो कौन है। तो चेयरपर्सन और कंपनी सेक्रेटरी को क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, नंबर 1 इंटीग्रिटी एंड सफिशिएंट सिक्योरिटी एंड आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस, इट शुडंट बी ब्लर्ड, मेरे को पता होना चाहिए दीपांशु ही बैठा है वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी, प्रॉपर ऑडियो वीडियो प्रॉपर इक्विपमेंट्स हैं, ऑडियो क्लियर है, वीडियो क्लैरिटी है, ऑडियो एफिशिएंसी है, सब कुछ। थर्ड है मैं प्रॉपर रिकॉर्ड कर पा रही हूँ अपनी इलेक्ट्रॉनिक मोड को, उसके बाद है रिकॉर्ड करने के बाद मैं उसको प्रॉपरली सेफ कीप कर पा रही हूँ,
ठीक है, वो जो भी होगा उसकी पेन ड्राइव में या वट एवर इट्स द मीन, मैं उसको प्रॉपर सिक्योरिटी के साथ उसका बुक कीपिंग सेफ कीपिंग कर पा रही हूँ. नेक्स्ट है कि कोई नो अदर कंसर्न पर्सन इज सिटिंग और अटेंडिंग द मीटिंग विद दीपांशु इफ एनीबडी एंड दीपांशु हैज टू गिव अ स्टेटमेंट रिगार्डिंग इट. ओके, नेक्स्ट है कि प्रॉपर पार्टिसिपेंट अटेंडिंग द मीटिंग आर एबल टू हियर एंड सी ईच अदर. तुम सब एक दूसरे को देख सकते हो, सुन सकते हो, क्लियर. तो एक चेयरमैन को और कंपनी सेक्रेटरी को ई मोड में इन चीज़ों का ध्यान रखना है. नेक्स्ट है कि ऑफकोर्स जो डिफरेंटली एबल्ड या हैंडीकैप होते हैं उनके साथ एक बंदा अटेंड कर सकता है मीटिंग, ठीक है, लेकिन आपको डिस्क्लोज करना है एवरीथिंग. यहाँ पे कुछ भी कंपनीज एक्ट में है ना, आप कुछ भी कर रहे हो, बस आपको डिस्क्लोज करना है. आप इंटरेस्टेड डायरेक्टर हो, आपको अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज करना है. कुछ भी कर रहे हो, बस अनएथिकली नहीं करना होता. वट एवर कहीं पर भी आप अटक जाते हो ना, सो यू जस्ट हैव टू राइट कि डिस्क्लोज करना है. That will make your answer correct. Clear? उसके बाद notice. अब बात करते हैं ई मोड का notice. मैंने तुम सबको notices दे दिए. यहाँ पे क्या है पीछे? घर है किसी का, आई थिंक, राइट? अच्छा, अभी बॉल आ रही है. उसके बाद है notice. Notice of meeting कैसे जाएगा? मैंने तुम सबको मेल नोटिस आप कैसे भी दे सकते हो, आप स्पीड पोस्ट से दे सकते हो, आप ईमेल भी कर सकते हो, ठीक है. तो सेम चीज़ मैं करूँगी, स्पीड पोस्ट से दिया, ईमेल किया, दीपांशु को नोटिस मेल कर दिया. जैसे कि अभी हमने बात करी, हर बार कंसेंट देने की ज़रूरत नहीं है. आप साल के शुरू में कंसेंट दे दो, जो चलता रहेगा. इनकेस आपको इन पर्सन अटेंड करनी है, आप उसका इंटीमेशन बस एक बार ही दे दो. आपने साल के शुरू में कंसेंट दे दिया, आपने हर मीटिंग में कुछ नहीं बोला, मैं समझूंगी आप ई मोड से ही आ रहे हो. अगर आप कुछ नहीं बोल रहे हो, तो अगर आप कुछ स्पेसिफाई कर रहे हो इन पर्सन आना है, तो आप इन पर्सन आ रहे हो. क्लियर? उसके बाद आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ द मीटिंग एक रोल कॉल होता है. मीटिंग स्टार्ट हो गई, जैसे हमने बात करी अटेंडेंस की, शुरू में हमने अटेंडेंस की बात करी. अटेंडेंस में क्या होगा, आप सब लोग ने अपना अटेंडेंस दे दिया, दीपांशु अपना अटेंडेंस देगा और ये भी बताएगा, जैसे हमने स्टेटमेंट की बात करी, कि कोई और बंदा आपके साथ बैठ के नहीं करा. यू आर अलोन अटेंडिंग द मीटिंग. फोर्थ पॉइंट का डी, नो अदर कंसर्न डायरेक्टर इज अटेंडिंग और हैविंग एक्सेस टू द प्रोसीडिंग्स ऑफ द मीटिंग एट द लोकेशन. ठीक है, उसके बाद चेयरमैन स्टार्ट करेगा. कोरम में इलेक्ट्रॉनिक मोड वाला होता है या नहीं होता, हम मानेंगे उसको कोरम में या नहीं मानेंगे? करते हैं, ठीक है. दीपांशु हमारा कोरम में इंक्लूड होगा. इन केस जस्ट दीपांशु और व्हाट्स हिज नेम, अमन और दीपांशु मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, तो क्या मीटिंग होगी? हम सब हैं क्लास में, सिर्फ दीपांशु और अमन आए हैं, तो मीटिंग होगी. टू दो जने हैं, दीपांशु ई मोड से आ रहा है, कोरम होगा. ओके, अच्छा. इन केस लेट्स सी, आप सब लोग बोल रहे हो कि हमें नहीं आना क्लास में, हम तो घर बैठ के मीटिंग करेंगे, मीटिंग में नहीं आना, घर बैठ के करेंगे, तो क्या आप सब लोग ई मोड से मीटिंग कर सकते हो? यस मैम, सब लोग ई मोड से मीटिंग कर, क्योंकि क्यों नहीं कर सकते? मैं किस बिहाफ पे मना करूँ ना? आप बोलोगे नहीं आना क्लास में, जूम कॉल से करेंगे जी आज, ठीक है जी कर लो. लेकिन उस केस में वेन्यू ऑफ मीटिंग क्या होगा? नितेश जायसवाल, मतलब वी आर प्रिटेंडिंग कि दिस इज़ द मीटिंग ना, तो वेन्यू ऑफ मीटिंग यही होगी. मैं जब मिनट बुक में अपना वेन्यू लिखूंगी, यही लिखूंगी. टाइम तो ऑफ कोर्स जब हम मीटिंग स्टार्ट करेंगे वही होगा, लेकिन इस जगह पर कोई होना चाहिए, ईदर कंपनी सेक्रेटरी या एनी अदर पर्सन ऑथराइज बाय द बोर्ड. जो कि क्योंकि यहाँ पर आप चारों लोग आओगे, मैं यहीं रहूँगी, चाहे आप सब लोग घर बैठे हो, कंपनी सेक्रेटरी हूँ मैं, यहीं रहूँगी, आप सब लोग यहाँ पे आओगे मीटिंग करोगे, मैं यहीं बैठकर इसी वेन्यू में तुम लोग की मीटिंग का अरेंजमेंट करूँगी, प्रॉपर रिकॉर्डिंग करूँगी, इस मीटिंग को स्टोर करूँगी, फिर सिक्योर करूँगी और प्रॉपर पेन ड्राइव में डाल के सेव करके रख दूँगी फॉर एट फाइनेंशियल ईयर्स. क्लियर? ओके, इसके बाद ये है कि जो भी नोटिस होगा वो एजेंडा
एज लॉन्ग जो भी प्रॉपर मीटिंग होगी उसकी हर एक डिटेल दीपांशु को जाएगी जाएगी, क्लियर। तो ये आपका सारा ईमोट का है जो जो भी हमें इस टॉपिक पे दिया हुआ है। सिंस यू गाइज डोंट हैव बुक्स, आई वॉन्ट यू टू जस्ट गो थ्रू इट ताकि हम दोबारा एक क्रॉस क्वेश्चन कर लें इस पर, हमारा ईमोट का फिर टॉपिक फिनिश हो जाए। सो यू कैन सी, पढ़ सकते हो यहाँ से, क्लियर है? नहीं तो एक एक चेयर आगे आ जाओ, विजिबल है? तो एक बार गो थ्रू करो थोड़ा सा, एक दो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इस पर एंड देन वी मूव ऑन टू आर नेक्स्ट टॉपिक। या मैं यहाँ से स्लाइड बस ऊपर ऊपर से जस्ट गो थ्रू इट वंस, या मैं बता देती हूँ कि हमें कैसे पढ़ना है, कैसे याद करना है, पूरा एक एक चीज मत पढ़ना। सबसे पहले ईमोट मीटिंग हो रही है, कंपनी सेक्रेटरी और चेयरमैन को किस चीज का ध्यान रखना है? छह चीजें इनका ध्यान रखना है, ऐसे याद कर लो, ठीक है? क्योंकि आप, मैं ये चाहती हूँ कि आप जिस तरीके से लिखोगे उस तरीके से याद करो, ठीक है? एग्जाम में यही क्वेश्चन आया, लिखोगे कैसे? तो दीपांशु ये देखेगा, याद इन द सेंस जस्ट गो थ्रू इट, रटना नहीं है। तो आपका सेकंड टॉपिक है, सेकंड, ठीक है, कि कंपनी सेक्रेटरी और सीएस को किस चीज का ध्यान रखना है। ये छह पॉइंट्स का ध्यान रखना है जो हमने डिस्कस किए थे। ऑडियो क्लियर, वीडियो क्लियर, जस्ट गो थ्रू द लाइंस वन एंड यू विल टेल मी क्या है वो, क्लियर? सबको तुम्हारा फेस दिखना चाहिए, सारे डायरेक्टर्स कुड सी यू, कुड हियर यू, प्रॉपर स्टोरेज, प्रॉपर इंटीग्रिटी, प्रॉपर सिक्योरिटी, विच इज द मेन थिंग। सो गो थ्रू इट वंस। डायरेक्टर की जो पूरे साल बाहर ही है, वन टाइम नोटिस देगा, और एक हो गई कि मान लो कभी कभी बीच बीच में किसी को इंटीमेशन देना है, एक उसका हो गया, ठीक है? ई पॉइंट हो गया पूरा साल वाला, दीपांशु वाला केस। ई पॉइंट हो गया अमन वाला कि जी मैं आज नहीं आ रहा, आज मैं ई मीटिंग करूँगा, इलेक्ट्रॉनिक मोड से करूँगा, ठीक है?
सिक्स पॉइंट वेन्यू का है कि वेन्यू क्या कंसिडर होगा, अगर सारे डायरेक्टर्स रिमोट से कर रहे हैं वेन्यू यहाँ का होगा जो भी नोटिस में मेंशन होगा, ठीक है। नोटिस कैन नॉट बी, वेन्यू कैन नॉट बी इलेक्ट्रॉनिक, है ना, वेन्यू टैंजिबल होना चाहिए, कोई रजिस्टर्ड ऑफिस और एनी अदर रिमोट प्लेस एज डिसाइडेड या एज मेंशन इन द आर्टिकल्स, ठीक है। इट कुड बी एनी, ज़रूरी नहीं है मीटिंग रजिस्टर्ड ऑफिस में हो, क्लियर। We'll move on to minutes. मतलब जो थोड़े से इस चैप्टर के थोड़े से वो वाले टॉपिक्स हैं वो मैं पहले ले रही हूँ, बाकी हमने मेन मेन जो कोरम नोटिस वो हमने कवर कर लिया, नोटिस विल डू एट द लास्ट। तो जो मेन मेन टॉपिक्स है वो हम एक्चुअली उस सीक्वेंस में कर रहे हैं कि आप लोग आए, बैठे, अटेंडेंस हुई, कोरम हुआ, ईमोट से आए तो हमने पहले ईमोट का कवर किया, ठीक है। अब मीटिंग हो गई, फिनिश हो गई, अटेंडेंस रजिस्टर बन गया, अब मुझे मिनट्स रिकॉर्ड करने हैं मीटिंग के। मिनट्स किसकी जिम्मेदारी है? सीएस की जिम्मेदारी है, ठीक है। मिनट्स किसको रखने होते हैं? मेंटेनेंस ऑफ मिनट्स। मिनट्स कौन रिकॉर्ड मेंटेन करेगा? कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है। मिनट बुक बनती है प्रॉपर, आप लोग की मीटिंग हो रही है, मैं अभी बैठ के मेरा काम क्या होगा, सब लोग आ गए, मैंने अटेंडेंस सबसे करवा ली, अब मैं बैठ के तुम जो भी एजेंडा डिस्कस कर रहे हो मैं बैठ के उसको लिखती रहूँगी बैठ के। दिस इज़ एक्चुअल द वर्क ऑफ सीएस। तो मैं ड्राफ्ट मिनट्स बनाऊँगी, मेरे को आई हैव, मेरे पास सिर्फ आपका नंबर नहीं है, तो कल या आज आई विल सेंड यू अ ड्राफ्ट मिनट्स का व्हाट्सएप, आई विल मेक अ ग्रुप। तो जो भी ड्राफ्ट मिनट्स एक्चुअल में जो कंपनीज में बनते हैं, मैं आप लोग को एक आफ्टर दिस, आफ्टर द क्लास आज शाम तक आई विल सेंड यू अ व्हाट्सएप ऑफ ड्राफ्ट मिनट्स, सो यू कैन गो थ्रू इट कि एक्चुअल में मिनट्स ऐसे होते हैं, ठीक है। और जो भी इसमें लिखा है बकायदा वही होता है जैसे मैंने बोला था, पूरा प्रैक्टिकल होता है ये। मेंटेनेंस ऑफ मिनट्स कंपनी सेक्रेटरी की ड्यूटी है मिनट्स को बनाना। मिनट्स लूज लीफ फॉर्म में होते हैं तो आपको उसको प्रॉपर बाइंड करना है, मिनट बुक मेंटेन करनी है, क्लियर, उसको पीरियोडिकली बाइंड करना है, मिनट को नंबर करना है, एवरी पेज, एवरी मिनट शुड बी सीरियली नंबर्ड, क्लियर। उसके बाद है मिनट्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी बन सकते हैं और फिजिकल फॉर्म में भी बन सकते हैं, मिनट्स कुड बी एनी। कंटेंट्स ऑफ मिनट, मिनट्स में क्या क्या चीज़ें कवर होंगी, ओके मिनट्स में क्या क्या होगा, लेट से आप एक मीटिंग के सीएस हो, सबसे पहले आप क्या करोगे? हाँ जी, अटेंडेंस होगा ऑफ कोर्स। मिनट्स में क्या होता है, सबसे पहले सारे डायरेक्टर्स, डायरेक्टर वन, सेकंड डायरेक्टर, सबका अटेंडेंस, कौन कौन उस मीटिंग में था उन सबका हम अटेंडेंस लेंगे। और क्या होगा? एग्जैक्टली, वेरी गुड। अब कौन सा डायरेक्टर ईमोट से आ रहा है, कौन सा इन पर्सन, तो हम लिखेंगे नहीं, पर इसके आगे जो भी डायरेक्टर ईमोट से आ रहा है वो हम उसके आगे लिखेंगे कि वो किस चीज़ से मीटिंग अटेंड कर रहा है, ठीक है। उसके बाद चेयरमैन, चेयरमैन कौन है उस मीटिंग का, सो बेसिकली चेयरमैन कौन होते हैं, या तो कंपनी का चेयरमैन या बोर्ड का चेयरमैन, ठीक है। और अगर वहाँ पर चेयरमैन नहीं है तो आप एक चेयरमैन इलेक्ट करते हो, ठीक है, वहीं चेयरमैन इलेक्ट होता है। तो सबसे पहले अटेंडेंस होगी, कौन से मोड से आ रहे हैं, चेयरमैन का एक इंट्रोडक्शन वेलकम होता है जो हम प्रॉपर अपने मिनट्स में लिखते हैं। उसके बाद एजेंडाज ऑफ बिजनेस, जो भी आपके एजेंडाज होते हैं हम वो लिखते हैं। उसके बाद रेजोल्यूशंस आते हैं, राइट, आपने देखे हैं मिनट्स, आप लोगों ने प्रॉपर मिनट्स देखे हुए नहीं, तो वो प्रॉपर रेजोल्यूशंस होते हैं जो बाद में जाके अप्रूव बन जाते हैं। जैसे होता नहीं, हम कंपनी में किसी चीज़ का रेजोल्यूशन लेना है तो वो मिनट बुक से ही निकलता है। किसी बैंक में हमें लोन लेना है, उसके लिए डायरेक्टर्स बैठे, उन्होंने मीटिंग करी, उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया, एजेंडा था लोन लेने का, हाँ किस पर्पस को बुला रहे हैं, एजेंडाज होते हैं हमारे नोटिस में, नोटिस में सिर्फ एजेंडाज होते हैं, है ना, वो रिजॉल्व हमारी मीटिंग में होते हैं। नोटिस में हम सिर्फ लिखेंगे कि हम ये चीज़ें
डिस्कस करेंगे, लेकिन वो हमारे मीटिंग में आके रिजॉल्व होती हैं. क्लियर? तो रेजोल्यूशंस जो होंगे, रिजॉल्व होते हैं जो एजेंडाज, वो हमारे मीटिंग्स में होते हैं. ठीक है? उसके बाद जो मेन चीज़ है, एवरी मिनट शुड बी सीरियली नंबर्ड. पेज नंबर प्रॉपर होना चाहिए, सीरियली नंबर्ड होना चाहिए, और मीटिंग का डे डेट टाइम वेन्यू होना ही होना चाहिए. ठीक है? उसके बाद पॉइंट आता है कि मिनट्स को, मिनट बुक को आप कितने टाइम तक रख सकते हो? 8 financial years. ठीक है? मिनट बुक आप कितने टाइम तक स्टोर कर सकते हो? बुक कीपिंग इसकी कब तक है? टिल 8 financial years. राइट? अब लेट्स से उसके बाद क्या करोगे? 8 financial years के बाद यू कैन डिस्ट्रॉय इट विद द परमिशन ऑफ द बोर्ड. परमिशन ऑफ बोर्ड. क्लियर? अब लेट्स से आपका, आपकी कंपनी किसी और कंपनी में अमेलगमेट हो रही है. ठीक है? ट्रांसफर ट्रांसफरी कंपनी है, तो आपके मिनट्स, आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स उस कंपनी को दोगे, तो आपके मिनट बुक भी चली गई. तो क्या अब आपकी आपकी कंपनी डिसॉल्व हो गई, क्योंकि आपकी अमेलगमेट हो गई, छोटी आपकी वाली कंपनी डिसॉल्व हो गई, तो क्या आप मिनट्स भी डिसॉल्व हो जाएंगे? नहीं, वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे. क्लियर? उस कंपनी को आपके मिनट्स रखने पड़ेंगे टिल 8 financial years. वो मिनट्स ट्रांसफ़र हो जाएंगे. आपकी कंपनी डिसॉल्व हुई, दैट डजंट मीन आपके मिनट्स भी आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो. नो, यू कैन नॉट. ठीक है? मिनट्स आप बनाओगे कब तक? विद इन, अब मीटिंग हो गई, मैंने अभी मीटिंग में बैठ के तो ड्राफ्ट मिनट्स बना दिए, बट मुझे प्रॉपर मिनट्स भी तो चाहिए ना, जो मिनट बुक में मैं रख सकूँ, फिर वो मैं सबकी साइनिंग करा सकूँ, ताकि वो एकदम ऑथेंटिकेट हो जाए और फाइनल हो जाए. ठीक है? तो विद इन 15 days ऑफ द मीटिंग आप मिनट्स रेडी करोगे. ठीक है? अभी मीटिंग हुई, मैंने ड्राफ्ट मिनट्स बना दिए, मीटिंग ख़त्म हो गई, उसके बाद मैं प्रॉपर विद इन 15 days मिनट्स रेडी होंगे, और वो सारे डायरेक्टर्स, चेयरमैन, कंपनी सेक्रेटरी सबसे साइन होंगे. राइट? चेयरमैन उसको इनिशियल करेगा. चेयरमैन इनिशियल करता है, सारे डायरेक्टर्स ओवरव्यू करते हैं, वो मिनट्स प्रॉपर 15 days में रेडी हो जाएंगे, और नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में वो मिनट्स आप प्रेजेंट करोगे. क्लियर? तो मिनट का एक एजेंडा और होता है, मिनट्स ऑफ प्रीवियस बोर्ड मीटिंग. क्लियर? तो एक मिनट्स क्या हैं, जो भी बोर्ड मीटिंग में बातें हो रही हैं. ठीक है? बोर्ड मीटिंग में क्या होगा, सबसे पहले अटेंडेंस हो गई, उसके बाद चेयरमैन की स्पीच हो गई, चेयरमैन इंट्रोडक्टरी हो गया, एजेंडाज डिस्कस हो गए, रेजोल्यूशंस पास हो गए, उसके बाद प्रीवियस मीटिंग में क्या हुआ था उसके मिनट्स डिस्कस हो गए. क्लियर? अब लेट्स से देयर इज एन एग्जांपल, विल टेक दिस एग्जांपल ओनली. अ बोर्ड मीटिंग वाज हेल्ड ऑन 1st July 2020. इट्स अ क्वेश्चन, अमन. And the next board meeting is scheduled to be held on 25th July 2020. ठीक है? If the minutes of the first board meeting are entered in the minute book before the date of next board meeting, anyway मैं बता देती हूँ, इतना पढ़ते अभी पहले बता देती हूँ, then we'll go through it. कि आज meeting है 1st July 2020, next board meeting है 25th July. ठीक है? तो अगर आज मीटिंग है, मैंने बोला 15 days के विदिन आपको मिनट्स प्रिपेयर करने हैं, लेकिन एक और मीटिंग हो गई बिफोर 15 days, क्योंकि मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग के आगे मिनट्स रखने के, पुराने मिनट्स नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में रखने के, लेकिन वो प्रिपेयर नहीं हुए हैं, तो मैं एक ड्राफ्ट दे सकती हूँ और फिर उसका मेंशन उसकी सबसीक्वेंट बोर्ड मीटिंग में कर सकती हूँ. क्लियर? क्लियर? हाँ जी. अभी हम बोर्ड मीटिंग ही पढ़ रहे हैं, वो मैक्सिमम होता है. आप जितनी मर्जी बोर्ड मीटिंग कर सकते हो, जितनी मर्जी आप रोज कर सकते हो, लेकिन एक मीटिंग और दूसरी मीटिंग के बीच में 120 दिन से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए. ठीक है? हाँ.
हाँ और ये कैलेंडर ईयर में एटलीस्ट कितनी 4 मीटिंग्स, मैक्सिमम 120 डेज, ठीक है, एटलीस्ट 4 मीटिंग्स एक कैलेंडर ईयर में होनी ही होनी चाहिए। मिनट्स कौन इंस्पेक्ट कर सकता है? हाँ अगर जनरल मीटिंग में है तो शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स क्यों करेंगे? शेयर होल्डर्स नहीं, हाँ वो एजीएम की करेगा ना, बोर्ड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तो इतनी क्रूशियल इन्फॉर्मेशन होती है वो एक एक। आप ये सोचो, आप रोज बोर्ड मीटिंग कर रहे हो, आज जी हमें लोन लेना है, आज हमें गारंटी लेनी है, आज सिक्योरिटी करवानी है, अब ये सब चीज़ें आप अपने शेयर होल्डर्स को थोड़ी दिखाओगे, राइट? लेकिन हाँ जी, हाँ डायरेक्टर्स आप कभी भी आ सकते हो, मिनट्स देख सकते हो। अब वन मोर चीज़ इंस्पेक्शन ऑफ मिनट्स में ये है कि मैं डायरेक्टर हूँ कंपनी की, मैं आज अपॉइंट हुई, तो क्या मैं पिछले मिनट्स देख सकती हूँ? मेरे से पहले वाले टेन्योर के मिनट्स मैं देख सकती हूँ? नहीं, मैं देख सकती हूँ, आई कैन सी, राइट खुशी? खुशी ना, आई सॉ योर इंटरव्यू तो मुझे पता लगा ये शी इज इन माई क्लास, नाइस। मैं आज अपॉइंट हुई हूँ, आई कैन इंस्पेक्ट पीछे के मिनट्स, मैं अब इस कंपनी की डायरेक्टर हूँ, मैं सारे डॉक्यूमेंट्स निकलवा के देख सकती हूँ। आप किस बेसिस पे मेरे को मना करोगे? आप खुद प्रैक्टिकली सोचो ना, आप कंपनी में आए हो, आप पीछे का सब कुछ देख सकते हो जी, इनकॉर्पोरेशन भी ले आओ, ये भी ले आओ, वो भी ले आओ, फाइल्स ले आओ, सब कुछ ले आओ, ठीक है? अब मान लो मैं आज रिज़ाइन कर गई हूँ कंपनी से, तो क्या कल आकर मैं मांग, आज रिज़ाइन कर गई, 1 महीने बाद मैं आ रही हूँ कि जो रेजिग्नेशन और अब तक जो भी बोर्ड मीटिंग्स हुई है मुझे दिखाओ, क्या मैं देख सकती हूँ? नहीं देख सकती। मैं देख सकती हूँ तो सिर्फ अपने टेन्योर की देख सकती हूँ, तब सिर्फ मैं अपने टेन्योर की देख सकती हूँ, लेकिन अगर मैं आई हूँ तो मैं पिछला सारा रिकॉर्ड देख सकती हूँ, ठीक है? और अगर मैं रिज़ाइन कर गई तो सिर्फ मैं 2018 से 2020 का ही देख सकती हूँ, मैं मांगी वो रिकॉर्ड सकती हूँ कि मेरे टेन्योर का रिकॉर्ड्स ले आओ, क्लियर? ठीक है, तो इंस्पेक्शन का क्या है, सब इंस्पेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टर्स, लेकिन डायरेक्टर के टेन्योरशिप पे डिपेंड करता है, क्लियर? ऑफ कोर्स कर सकता है, ठीक है। सीएस डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर्स, जो भी डायरेक्टर्स होते हैं, सीएस तो कुछ बनाता ही है, वो क्या ही इंस्पेक्ट करेगा, बट हाँ दे आर ओपन फॉर इंस्पेक्शन ऑफ द कंपनी। हाँ, देख सकते, शेयर होल्डर्स नहीं देख सकते क्योंकि वो एजीएम के देख सकते हैं, ठीक है, क्लियर है? मतलब प्रैक्टिकली सोचेंगे जो होता है, राइट? प्रेजर्वेशन ऑफ मिनट्स एंड अदर रिकॉर्ड्स, 8 फाइनेंशियल ईयर्स अभी हमने बात करी, इसमें अमालगमेशन और उसका पॉइंट दिया हुआ है, वो भी हमने डिस्कस कर लिया कि आप डिस्ट्रॉय नहीं करोगे, आप दूसरी कंपनी को ट्रांसफ़र कर दोगे, दूसरी कंपनी फिर 8 फाइनेंशियल ईयर्स तक उसको रखेगी। अब अटेंडेंस रजिस्टर हो गए, मिनट बुक हो गई, वो साइनिंग के 8 फाइनेंशियल ईयर्स अप्रूव हो गए, चेयरमैन उसको इनिशियल करके साइन कर देगा, उसके बाद वो 8 फाइनेंशियल ईयर्स स्टार्ट होते हैं, क्लियर? अब मिनट बुक, अब ये तो बात सिंगल मिनट की होगी, जैसे अटेंडेंस रजिस्टर होता है पूरा अटेंडेंस रजिस्टर की लास्ट एंट्री से 8 फाइनेंशियल ईयर्स, तो मिनट बुक का भी यही है, मिनट बुक की लास्ट एंट्री से 8 फाइनेंशियल ईयर्स, ऑफकोर्स ना, क्योंकि प्रैक्टिकली आप ऐसे तो करोगे नहीं, बुक बनी हुई है, फर्स्ट मिनट 8 साल हो गए फाड़ दो, सेकेंड दूसरा 8 साल हो गए फार दो, पूरा प्रॉपर बुक के हिसाब से 8 फाइनेंशियल ईयर्स, ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक हम ले रहे हैं पासिंग रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन, पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन, क्या होता है ये रेजोल्यूशन ऑफ सर्कुलेशन? एनीवन? क्या? हाँ पॉसिबल ही है,
बट पॉसिबल पॉइंट नहीं आएगा इसमें. कई बार बोर्ड मीटिंग्स होती भी हैं और सर्कुलेशन से भी पास हो रहा होता है. आजकल इंटरनेट आ गया तो मेल कर दो, नहीं तो घर घर जाओ. हाँ राइट. तो इसमें जो सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है वो है वन थर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स. रेजोल्यूशन और सर्कुलेशन में जो तुम्हें याद करना है वो क्या है? वन थर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. अब वो मैं क्या बोल रही हूँ वो ये है कि मैंने एक मीटिंग बुलानी है, ठीक है. उसके बाद मुझे पहले, अगर लेट्स से 6 लोग बैठे हैं, वन थर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलेंगे अगर कि हम रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन पास कर देते हैं तो हम ऐसे कर लेंगे, ठीक है. मतलब एक जना बोलेगा कि मेरे घर भिजवा दो, वैसा नहीं होगा. वन थर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का होना ज़रूरी है. क्लियर? तो यही है. इसमें स्टार्ट करने से पहले हर आई वॉन्ट यू टू गो थ्रू दिस फर्स्ट वन सेकेंड. हर एजेंडा आपका रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन से पास नहीं हो सकता, ठीक है. इलस्ट्रेशन लिस्ट ऑफ आइटम्स जो रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन से नहीं पास हो सकते, ये वाले लिस्ट ऑफ, ये वाले सारे बिजनेसेस हैं जो हम सर्कुलेशन से पास नहीं कर सकते. सर्कुलेशन से पास करना क्या होता है कि मैं आपके घर में, लाइक ही सेड, आपके घर में कह रही हूँ, आपको मैं ईमेल के थ्रू या किसी भी फॉर्म के थ्रू, स्पीड पोस्ट के थ्रू, ईमेल के थ्रू आपको मैं एजेंडाज दे रही हूँ. आप अपने घर, आप अपने अपनी ही जगह पर उसको असेंट या डिसेंट कर रहे हो और मेरे पास वापस भेज रहे हो, ठीक है. पूरी मीटिंग ईमोट से हो रही है. उस केस में ये सारे जो बिजनेसेस हैं ये ट्रांजैक्ट नहीं हो सकते, ठीक है. सो वंस गो थ्रू दिस, एक आइडिया ले लो कि कौन कौन से बिजनेसेस हैं जो हम सर्कुलेशन से पास नहीं कर सकते. या
कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं हमारे जो सर्कुलेशन से पास नहीं हो सकते. रेजोल्यूशन, पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन. ठीक है, तो होता क्या है ना, मान लो हम सब डायरेक्टर्स हैं. अब तुम में से 1/3 चाहते हो कि मीटिंग बोर्ड मीटिंग हो. ठीक है, अगर लेट्स से हम 6 लोग यहाँ बैठे हैं, ठीक है, 9 लोग बैठे हैं, 1/3 का कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा. 9 लोग यहाँ बैठे हैं, 1/3 चाहते हैं कि हम बोर्ड मीटिंग करना चाहते हैं, हम अपने घर पे लाकर हम रेजोल्यूशन सर्कुलेशन नहीं करना चाहते, तो बोर्ड मीटिंग होगी इन एक्चुअल. ठीक है, यू गॉट माई पॉइंट. तो रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन में आपको जो चीज़ ध्यान रखनी है वो है 1/3 ऑफ द डायरेक्टर्स. इफ दे वॉन्ट कि बोर्ड मीटिंग करनी है तो बोर्ड मीटिंग ही होगी. सो यू एक्चुअली नीड 1/3 का अप्रूवल टू डू अ बोर्ड मीटिंग एंड नॉट पासिंग बाय सर्कुलेशन. ठीक है, पासिंग बाय सर्कुलेशन में ये हो जाता है सबसे पहले कि अथॉरिटी किसके पास होती है, चेयरमैन के पास या डायरेक्टर के पास, जो डिसाइड करेगा कि हाँ हम ये नोटिस भेज देते हैं. एक स्टार्ट भी तो करना चाहिए ना किसी को, तो वो कौन स्टार्ट करता है, या तो चेयरमैन. अथॉरिटी किसके पास होती है इसकी, या तो चेयरमैन या डायरेक्टर. ओके, अब अथॉरिटी भेज दी, रेजोल्यूशन हमने भेज दिए. अब बात यह आती है जो इंटरेस्टेड डायरेक्टर होता है वो तो हम कहते हैं कि जी पार्टिसिपेट नहीं करेगा. इंटरेस्टेड डायरेक्टर पार्टिसिपेट नहीं करता, नहीं तो वोट करता है. वोट कैसे करेगा जब पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा. लेकिन प्राइवेट कंपनी में ऐसा होता है, इंटरेस्टेड डायरेक्टर पार्टिसिपेट कर सकता है, कर सकता है. कैसे कर सकता है, डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट देकर. प्राइवेट कंपनी में इंटरेस्टेड डायरेक्टर पार्टिसिपेट कर सकता है डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट देकर, क्योंकि डायरेक्टर्स ही 2 चाहिए. अब एक इंटरेस्टेड हो गया तो आप कैसे करोगे ना, तो आपको डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट देके आप कर सकते हो. इंटरेस्टेड डायरेक्टर पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, तो 1/3 अगर चाह रहे हैं मीटिंग हो तो उसमें इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स भी आ गए, तो वो नंबर भी हटाना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास 9 डायरेक्टर्स हैं हमारी कंपनी में. 1/3 मैं कह रही हूँ जो डिसाइड कर सकते हैं कि नहीं जी हमको तो बोर्ड मीटिंग करनी है, तो 9 का 1/3 क्या हो गया, 3. 3 डायरेक्टर्स अगर बोलेंगे कि हमें बोर्ड मीटिंग करनी है तो हम बोर्ड मीटिंग कर लेंगे. मान लीजिए 9 डायरेक्टर्स में से 3 डायरेक्टर्स इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स हैं और बाकी 6 नॉर्मल डायरेक्टर्स हैं. ठीक है, जिनका इंटरेस्ट नहीं है उस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन में जो एजेंडा में फाइनल हुआ है. तो अब जो मैं 9 का कैलकुलेशन करूँगी, जो मैं सर्कुलेशन से करनी है या बोर्ड मीटिंग करनी है, वो मैं 6 से करूँगी या 9 से करूँगी, 9 से करूँगी. ठीक है, टोटल डायरेक्टर्स से ही करूँगी मैं. 9 डायरेक्टर्स हैं मेरी कंपनी में, मुझे सर्कुलेशन पास करना है. तो 1/3 अगर बोलेंगे कि जी नहीं हम तो बोर्ड मीटिंग करेंगे, है ना, तो मैं बोर्ड मीटिंग ही करूँगी. मतलब 9 में से 3 बोलेंगे हमें बोर्ड मीटिंग करनी है, तो मैं बोर्ड मीटिंग ही करूँगी, चाहे उस 3 डायरेक्टर्स में इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स का वोट भी हो. मैं 6 से नहीं करूँगी, मैं टोटल 9 से करूँगी. क्लियर, इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स हैं नहीं है दैट इज़ नॉट माई कंसर्न. 6 में से 3 भी बोल देंगे कि करनी है, क्योंकि अगर 3 बोल रहे हैं बोर्ड मीटिंग करनी है, उसमें इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स तो वैसे ही नहीं होंगे क्योंकि वो तो पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकते. क्लियर, क्लियर हुआ. अब जो एक चीज़ दिमाग में आती है कि सर्कुलेशन करा, प्रैक्टिकली डिस्कस कर रहे हैं, यही है इस टॉपिक में. मैंने सबको नोटिसेस भेज दिए. अब मैंने भेज दिए कि जी तुम अब बताओ मुझे असेंड करना है डिसेंड करना है. तो मैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड हम लोग डिसाइड करेंगे कि इतने टाइम तक आप लोगों को मुझे रिप्लाई करना है. आई कैन नॉट वेट फॉर एवर, राइट. तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि इतने टाइम तक मुझे डिसीजन दे दो. अगर तो आप असेंट या डिसेंट मुझे विद इन लेट्स से 7 डेज है, तो अगर आप मुझे विद इन 7 डेज, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, ठीक है, उस नोटिस में मेरा टाइम पीरियड भी मेंशन होगा कि मुझे इतने टाइम तक ये रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन पास हो रहा है, ये एजेंडाज हैं, मुझे इतने टाइम तक अपना रिप्लाई कर दो. लेट्स से 7 डेज हैं, आप 9 डायरेक्टर्स हैं कंपनी में, 6 5 ने बोल दिया असेंट है,
ठीक है, और अभी 7 दिन है, डे 1, 2, 3, 4th डे में मुझे 7 दिन का टाइम है, फोर्थ डे में मुझे 5 डायरेक्टर्स ने रिप्लाई कर दिया कि जी असेंट है हमारी तरफ से, तो मेजॉरिटी ने बोल दिया असेंट है, लेकिन अभी भी मैं इस डेट पे क्लोज नहीं करूँगी, आई विल वेट फॉर दी अदर 3 डायरेक्टर्स ऑल्सो, ठीक है, क्योंकि ऐसे होता है अगर मैंने आपको नोटिस भेज दिया, आप उस दौरान भी डिसाइड कर सकते हो कि नहीं जी ये वाले एजेंडाज हैं, ये तो हम बोर्ड मीटिंग में आके डिस्कस करेंगे, बात प्रैक्टिकल है ना, मैं तुमको कोई बात बता रही हूँ फ़ोन पे, तुम बोलो यार ये फ़ोन पे डिस्कस करने वाली बात नहीं है, मिल के करेंगे, तो यही चीज़ है यहाँ पर भी, मैंने नोटिस भेज दिया कि जी रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन करना है, तो खुशी बोल रही है नहीं 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 ये तो मैं फ़ोन पर डिस्कस नहीं करूँगी, मैं तो आके करूँगी, तो 5th डे खुशी ने मुझे बोला कि आई विल बोर्ड मीटिंग इन पर्सन होगी, तो फिर अगर 1/3 पूरे हो रहे हैं तो बोर्ड मीटिंग इन पर्सन होगी, सो आई हैव टू वेट फॉर द होल 7 days, उन 7 दिनों में अगर असेंट या डिसेंट आ जाती है तो हम मान लेंगे, लेकिन उन 7 दिनों के दौरान अगर 1/3 डायरेक्टर्स मुझे बोल देते हैं पढ़ के नोटिस कि नहीं हम ऐसे डिसाइड नहीं करेंगे, बोर्ड मीटिंग करेंगे, तो हम बोर्ड मीटिंग ही करेंगे, क्लियर, यू गॉट द कॉन्सेप्ट ना, उसके बाद अगर 5 असेंड कर देते हैं फिर भी मैं क्लोज नहीं करूँगी, चाहे किसी ने मुझे बोर्ड मीटिंग के लिए नहीं भी बुलाया था अभी भी, आई विल वेट फॉर द होल 7 days अपना वो क्लोज करने के लिए विंडो, क्लियर, तो ये आपका रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन है, कोई क्वेश्चन है इस पर, शो ठीक है, तो वी हैव कवर्ड द मेजर ऑफ दिस चैप्टर, इसमें लास्ट में एक एनेक्स जो मैंने अभी दिखाया था रेजोल्यूशन में कौन कौन से नहीं पास कर सकते, एक है कि फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में आप क्या क्या डिस्कस कर सकते हो, एक एनेक्स जो इन्होंने ये दिया हुआ है, इफ़ यू वॉन्ट टू गो थ्रू इट यू कैन, कि कौन कौन से बिजनेसेस हैं जो आप अपनी फर्स्ट मीटिंग में करने हैं, तो इफ़ यू गाइज वॉन्ट टू गो थ्रू इट, दिस द एंड ऑफ द चैप्टर, खत्म, बस नेक्स्ट क्लास में थोड़े थोड़े टॉपिक्स और हैं, नेक्स्ट बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जो मेजर टॉपिक्स हैं वो हमने आज कवर कर लिए हैं, जो ईमोड था, सर्कुलेशन था, मिनट्स था, बाकी हमने कोरम कवर कर लिया है, जर्न मीटिंग कवर कर लिया है, फ्रीक्वेंसी आज कवर कर लिया है, राइट, इस चैप नेक्स्ट क्लास में पहले हम ये पूरा चैप्टर टॉपिक बाय टॉपिक रिवाइज करेंगे, एंड देन वी विल स्टार्ट विद बोर्ड इफेक्टिवनेस, दैट इज चैप्टर नंबर 3, ठीक है, तो अभी कैन आई एक्सपेक्ट कि आप रीड करके आओगे या नो, अभी मॉड्यूल ही नहीं है, कैसे करोगे, कोशिश करना, मतलब आधा घंटा लगेगा, सिर्फ आधा घंटा, घड़ी देख के अलार्म लगा लेना आधा घंटे का, आधा घंटा खत्म उठ जाना, पर वो आधा घंटा सिर्फ रीड ही करना है, ऐसे नहीं ये भी हो रहा है वो भी हो रहा है, मतलब सही में कह रही हूँ, इट विल ओनली टेक हाफ एन आवर एंड यू विल बी रिलैक्स्ड कि हो गया, जैसे ही मॉड्यूल आया खोला इंडेक्स और टिक लगाया ख़त्म, क्लियर, इसमें 19, हाँ एक हो गया, सिर्फ 18 बच्चे हैं, एक्चुअली 17 है 19 है 17 है, एक सेकेंड, एक्चुअली ईजी है यार, रिस्क मैनेजमेंट पूरा 20 मार्क्स है, सिर्फ एक चैप्टर है उसमें, थ्योरी सब्जेक्ट है, थ्योरी ज़्यादा ही होगी ना, 17 है 17, रिस्क मैनेजमेंट 20 मार्क्स का है, सिर्फ एक चैप्टर है, 20 मार्क्स का एक चैप्टर, दो कैसे, हाँ यही कम कर दिया दो तो, राइट, हाँ 17 चैप्टर्स हैं, ये कर लेते हैं, उसके बाद चैप्टर नंबर 3 पे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में एक बार टॉपिक बाय टॉपिक हम रिवाइज कर लेंगे, एंड देन वील मूव ऑन टू चैप्टर नंबर 3, क्लियर, और मैं ट्राई करूँगी या तो आज या कल आपको मिनट्स का एक एक्सट्रैक्ट व्हाट्सएप कर दूँगी, ठीक है, एनी क्वेश्चंस, नहीं, ओके, थैंक यू।